इस मूवी की शुरुआत होती है 1966 के टाइम से, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें था हस्बैंड हैरल्ड और उसकी वाइफ जेन और उनका छोटा सा बेटा निक। उनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी और उनका समय बहुत ही अच्छा बीत रहा था। अपने नए घर में हैरल्ड अपनी फैमिली के सभी मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसका सभी हैप्पी मोमेंट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। फिर May 22, 1966 को निक लिविंग रूम में खेल रहा था, तभी उसे बाथरूम से उसकी माँ जेन की आवाज़ सुनाई देती है। निक भागकर बाथरूम जाता है और वहाँ पर एक अलमारी खोलता है। उस अलमारी के अंदर एक डोर था जिसके जरिए बेसमेंट तक जा सकते थे। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी कि हैरल्ड ने जेन को बेसमेंट में बंद करके रखा था। जेन बहुत ही भूखी थी तो निक से खाना मांगती है, तब निक उसे एक एप्पल लाकर देता है, जिसके बाद में जेन अपने किसी फ्रेंड के लिए भी निक से खाना मांगती है। तब तक निक के पिता हैरल्ड घर आ चुके थे, जो कि निक को जेन से बात करता देखकर उसे केयरफुल रहने को कहता है। लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट के अंदर की कोई चीज़ निक को पकड़कर खाने लगती है। हैरल्ड अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक निक की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद टाइम आता है January 3, 1987 का, मतलब कि लगभग 15 साल के बाद का, जहाँ पर हम अपोलो नाम के एक फिल्म मेकर को देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाया करता था, जो न्यूयॉर्क से हैरल्ड के घर आया था उसकी लाइफ पर हुए उस भयानक इंसिडेंट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। असल में हैरल्ड ने अपनी इमेज सुधारने के लिए खुद पैसे देकर अपोलो को उसके घर पर बुलाया था। सालों पहले हुए उस इंसिडेंट में हैरल्ड की वाइफ जेन और उसके बेटे निक की मौत हो चुकी थी। पुलिस और पूरी दुनिया को ही लगता था कि हैरल्ड ने ही उन दोनों को मारा था, क्योंकि हैरल्ड ने उस मर्डर को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब वो उसकी मौत के पीछे की असल वजह लोगों को बताना चाहता था और अपनी इमेज भी सुधारना चाहता था, इसीलिए उसे अपोलो की हेल्प चाहिए थी ताकि वो उसका इंटरव्यू ले और डॉक्यूमेंट्री मूवी की तरह लोगों के सामने रखे। पर अपोलो के बिहेवियर से ऐसा ही लग रहा था कि उसे हैरल्ड की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस पैसे से मतलब था। उसे अच्छे पैसे ऑफर हुए थे और इसीलिए वो इंटरव्यू को शूट करने के लिए राजी हुआ था। अब एनीवेज अपोलो जब हैरल्ड के घर पर पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। फिर हैरल्ड उसे पानी ऑफर करता है जो अपोलो पी लेता है। हैरल्ड उसे खाना भी ऑफर कर रहा था, लेकिन अपोलो उसे खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे जल्दी शूट करके वापस जाना था। हैरल्ड अपोलो को उसके कैमरा के बारे में पूछता है जो कि 1987 के हिसाब से बहुत ही कॉस्टली दिख रहा था। तब अपोलो उसे बताता है कि उसका कैमरा कॉस्टली तो है, लेकिन यह सेकेंड हैंड है तो इसलिए उसे कम प्राइस में पड़ा, पर ये अभी भी अच्छे से काम करता है। फिर इसके बाद अपोलो हैरल्ड से शूट के लिए $400 लेता है और उसका इंटरव्यू शुरू करता है, जहाँ पर हैरल्ड बताता है कि 1966 में जिस ब्रूटल तरीके से उसके बेटे निक और उसकी वाइफ जेन की मौत हुई, लोग अब तक ही उसे किलर मान रहे थे। तब उसने लोगों को कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन अब वो सभी बातें खुलकर दुनिया के सामने रखना चाहता है ताकि उसे अपने बाकी की लाइफ में एक क्लियर कट टेकने लगे। अब इतने साल उसने एक राज दुनिया के सामने छुपा कर रखा था, जबकि उसे पता था कि उसकी वाइफ और बेटे का किलर कौन है। अब ये सब बताने के बाद में हैरल्ड अपोलो को कैमरा लेकर बेसमेंट बुलाता है। अपोलो भी कैमरा लेकर उसे फॉलो करता है। बेसमेंट में हैरल्ड अपोलो को वो जगह दिखाता है जहाँ पर जेन की मौत हुई थी। उस जगह पर आज भी जेन के खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें हैरल्ड अभी तक मिटा नहीं पाया था। हैरल्ड उसे बताता है कि जब उस दिन वो जब वाइल्ड लाइफ फोटोशूट करके घर आया था, तब उसे जेन और निक की बॉडी दिखाई दी थी। लेकिन हमें पता है कि हैरल्ड यहाँ पर झूठ बोल रहा है। उसके घर आने के बाद उसके सामने जेन और निक की मौत हुई थी। यहाँ पर हैरल्ड की हरकतें भी अपोलो को बहुत अजीब लगती है। एक तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे की मौत की बात दुखी होकर कह रहा था, और दूसरी तरफ वो अच्छा दिखने के लिए कैमरा एंगल पर भी ध्यान दे रहा था। इसके बाद में हैरल्ड ये बताता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी में बहुत सारे बाइट मार्क्स थे, उसके हाथ का मांस भी किसी ने आधा खा लिया था। हैरल्ड का डेंटल रिकॉर्ड जेन के बाइट मार्क्स से मैच नहीं हुए थे, तो इसीलिए वो जेल जाने से बच गया था। फिर अपोलो हैरल्ड से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन हैरल्ड अपने बेटे की मौत के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से अपोलो का कैमरा फ्लिक करने लगता है, तो इसीलिए वो कैमरा को वहीं पर छोड़कर ऊपर के रूम से स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है। कुछ ही टाइम में वो अपना कैमरा फिक्स करता है और इंटरव्यू को फिर से शुरू करता है। यहाँ पर हैरल्ड बीच बीच में अपोलो का नाम ले रहा था, तब अपोलो उसे उसका नाम लेने से मना करता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये कहानी उसकी लाइफ के ऊपर है और उसका नाम लेकर उसे बीच में न लाए। उसकी बात तो सुनकर हैरल्ड इंटरव्यू को वहीं पर रोक देता है और अपोलो को ऊपर के रूम में आने को बोलता है। अपोलो भी उसकी बात मानकर उसे फॉलो करते हुए लिविंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर हैरल्ड उसे अपने वाइल्ड लाइफ फोटोज दिखाता है जो उसने सालों पहले खींची थी। लेकिन जेन और निक की मौत के बाद से उसने फोटोग्राफी छोड़ दी थी। साथ ही वो अपोलो से माफ़ी मांगता है उसे सब कहने के लिए। उस इंसिडेंट के बाद से उसके घर पर कोई भी नहीं आया, उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसे ये नहीं पता है कि उस लोगों से कैसे बातें करनी है। उसकी कोई भी बात अगर उसे बुरी लगी हो तो उसे माफ़ कर दें। अपोलो भी उसके बिहेवियर को अप्रिशिएट करता है और उसकी फ़ोटोज़ की तारीफ करता है। इसके बाद में हैरल्ड उससे खिड़की से
पड़ोसियों के बच्चों को दिखाता है जिन बच्चों को उसके सेकंड वाइफ डेलोरिस डरा रही थी। हेरोल्ड के मुताबिक वहाँ के सभी लोग सोचते हैं कि उसके घर में कोई विच रहती है और इसीलिए वो उसके घर के आसपास कोई नहीं आता है। इन सभी बातों से अपोलो थोड़ा बोर हो रहा था और अब रात भी होने वाली थी और अभी तक हेरोल्ड का इंटरव्यू भी खत्म नहीं हुआ था। अब अपोलो को शूट खत्म करने के लिए अगले दिन भी वापस वहाँ पर आना था, लेकिन हेरोल्ड उसे आज रात के लिए वहीं पर रुकने को कहता है ताकि रात भर में ही उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हेरोल्ड अपोलो को 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर करता है और पैसों के लालच में अपोलो उसकी बातें मान जाता है। फिर इसके बाद में हेरोल्ड अपने कुछ पुरानी सीटें लेने के लिए जाता है। तब अपोलो अपना कैमरा में अब तक की फुटेज चेक करता है। तब वो देखता है कि जब वो अपना कैमरा बेसमेंट में छोड़कर गया था तो उस समय कैमरा में एक अजीब सा क्रिएचर कैप्चर हुआ था जो कि ना तो ह्यूमन की तरह दिखाई देता था ना तो किसी घोस्ट की तरह। इस बात से अपोलो थोड़ा परेशान हो जाता है कि तभी उससे हेरोल्ड अपने कुछ सीडीज दिखाने के लिए बुलाता है। वो कुछ ऐसी सीरीज थी जो कि पुलिस ने अभी भी नहीं देखी थी। उन सीरीज में हेरोल्ड ने जेन और निक की डेड बॉडीज की फुटेजेस को रिकॉर्ड किया था। उन फुटेजेस में जेन की डेड बॉडी को कीड़े खा रहे थे और उसकी बॉडी के बाइट मार्क भी बहुत ही भयानक थे। अपोलो को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई पर्सन अपनी वाइफ और अपने बेटे की ऐसी भयानक वीडियो को क्यों रिकॉर्ड करेगा। उसे समझ में आ गया था कि हेरोल्ड कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो इसीलिए वो हेरोल्ड को उसके पैसे वापस देकर वहां से जाने की बात कहता है। पर अचानक से अपोलो वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने जो हेरोल्ड का तो पानी पिया था उसमें बेहोशी की दवाइयां मिली थी। कुछ देर के बाद में जब अपोलो होश आता है तो खुद को बेसमेंट में एक चेयर से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने उसी का कैमरा ऑन रखा गया था। साथ ही उसके पास में हेरोल्ड और उसके सेकंड वाइफ डेलोरिस भी थी। डेलोरिस तो वहां से चली जाती है पर हेरोल्ड वहीं पर अपोलो के पास में बैठ जाता है। हेरोल्ड उसे बताता है कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन जेन और निक की मौत के बाद में उसे वो विच दिखाई दी जिसके बाद में उसे उसकी लाइफ का एक पर्पस मिल गया और वो उस विच के खाने के लिए लोगों को अपने घर में बुलाने लगा जिसके बाद में वो विच उन लोगों को खा जाती है। अपोलो को भी उसने इसीलिए बुलाया था और पैसों के लालच में अपोलो उसके जाल में फंस जाता है और अब वो भी बिजल विच का खाना बनेगा। इस घर में आने के बाद में उसकी वाइफ जेन को भी इस विच ने पजेस कर लिया था जिसके बाद में वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। अपने बेटे निक की सेफ्टी के लिए उसने जेन को बेसमेंट में बंद कर दिया था, लेकिन आखिर में वही हुआ जो कि होना था। अपने खाने के लिए बिजल विच ने जेन और निक दोनों को मारकर उन्हें खा लिया, पर इसके बाद में हेरोल्ड उस विच का केयरटेकर बन गया क्योंकि उस विच ने उसे भी पजेस करके रखा था। यहाँ पर हेरोल्ड की आंखों को अजीब तरीके से चेंज होता हुआ देखते हैं, मतलब कि वो अभी भी पजस्ड है। इन सब के बदले में विच उन्हें पैसे और पावर देती है क्योंकि हमने देखा ही है कि हेरोल्ड ने सालों से अपनी फोटोग्राफी बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी उसके पास में बहुत ही पैसा था और ये पैसा उसे विच ने ही दिया था। हेरोल्ड के मुताबिक बिजल विच सालों से वहां पर है और उस विच ने अपने काम के लिए हेरोल्ड को चुना है। इंसानों को खाने के बाद में विच सालों तक जिंदा रहती है और 300 साल में एक बार वो विच अपना एक बच्चा पैदा करती है, वो भी किसी ह्यूमन से इंटीमेट होने के बाद में। और अब जो उसके सेकंड वाइफ डेलोरिस है वो भी इन सब कामों में हेरोल्ड का साथ देती है। ऊपर से ये सभी बातें हेरोल्ड अपोलो के कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहा था। इस दौरान अपोलो ने अपने पॉकेट में रखे हुए स्क्रू ड्राइवर से अपनी रस्सियां खोल ली थी और अचानक से वो उस स्क्रू ड्राइवर को हेरोल्ड के गले में घुसाकर उसे जान से मार देता है, लेकिन अपोलो पूरी तरीके से खुद को आजाद करके वहां से भागता। उससे पहले ही वहां पर बिजल विच आ गई थी जिसे देखकर अपोलो बहुत डर गया था। अब वो कुछ कर पाता उससे पहले ही विच उसका सर उखाड़कर अपने साथ में ले जाती है और चेयर पर बस अपोलो की बाकी की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। इसके बेसमेंट से बाहर आते ही डेलोरिस को पता चल चुका था कि हेरोल्ड की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद में वो अपनी बनाई कुकीज को डस्टबिन में फेंक देती है जो कि उसने अपोलो को खिलाने के लिए बनाई थी। अब उसे ही उस विच का केयरटेकर बनना होगा। सीन कट होता है और कहानी अब आती है 20 नवंबर 2003 को, जहाँ पर डेलोरिस अब बहुत ही बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, लेकिन उसके पास में बहुत सारे पैसे थे। उसकी देखभाल करने के लिए कई सारी नर्सेस वहाँ पर आई, लेकिन सभी के सभी एक के बाद एक गायब हो गई और हमें तो पहले से ही पता है कि वो नर्सेस किसका खाना बनती है। अब उस दिन नौमी नाम की एक और नर्स डेलोरिस के घर पर आती है उसके फुल टाइम केयर टेकर बनकर। नौमी से पहले उसकी दोस्त बेथ डेलोरिस की देखभाल किया करती थी, लेकिन अचानक से एक दिन बेथ मिसिंग हो गई। अब बाहर के लोगों को और नौमी को तो ये लगता था कि नर्सेस उस घर से नहीं बल्कि कहीं और से मिस हुई थी। उस घर से किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर एक बूढ़ी और बीमार लेडी रहा करती है। अब नौमी जब घर में आती है तो कोई उसे विंडो से देख रहा था। अब या तो बिजल हो सकती है या फिर डेलोरिस, लेकिन डेलोरिस को देखा जाए तो वो चल फिर भी नहीं पाती है और हर समय बेड पर ही लेटी रहती है। नौमी जब पहली बार डेलोरिस से मिलती है तो वो उसे काफी क्रीपी सी स्माइल देती है। साथ ही वो लाइट से डर रही थी और अपने रूम में हमेशा कैंडल जला कर रखा करती थी। डेलोरिस की स्माइल को देखकर नौमी तो ये सोचती है
कि वो भी बहुत ही स्वीट और ओल्ड लेडी है जो कि अच्छे से उसका वेलकम कर रही है। नॉमी डेलोर से प्रॉमिस करती है कि वो बाकी नर्सेस की तरह उसे छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। इसके बाद नॉमी डेलोरिस के लिए डिनर लाती है और इस दौरान उसे बेसमेंट से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। फिर नॉमी डेलोरिस को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन डेलोरिस खाने की तरफ देखती भी नहीं है। नॉमी को ऐसा लगता है कि बेथ किसी और तरीके से उसे खाना खिलाती थी, तो इसलिए डेलोरिस खाना नहीं खा रही है। ऊपर से डेलोरिस की बीमारी को लेकर बेथ ने कोई भी मेडिकल अपडेट नहीं छोड़ा था, तो इसलिए नॉमी को कुछ दिनों का टाइम चाहिए होगा डेलोरिस की हेल्थ को स्टडी करने के लिए। अब वो भी डेलोरिस का एक बार चेकअप करती है, तभी एक स्पून फ्लोर पर गिरता है और उस स्पून को उठाते समय बेड के नीचे से उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसके बाद में नॉमी डेलोरिस को सुलाकर किचन की तरफ आती है और इस दौरान वो एक बार बेसमेंट को चेक करने जाती है। वो बेसमेंट को चेक कर ही रही थी कि तभी उसे डेलोरिस के रोने की आवाज़ आती है। वो जब उसे चेक करने जाती है तो डेलोरिस बिजल का नाम लेकर अजीब अजीब बातें कह रही थी कि उसे नहीं पता कि बिजल क्या चीज़ है, पहले एवरी फिर बेथ, और अभी भी उसका मन नहीं भरा, उसे खिलाना ही होगा तभी उसे शांति मिलेगी। यहाँ पर बेथ का नाम सुनकर नॉमी थोड़ा शॉक्ड थी, फिर भी उसे समझ नहीं आता है कि डेलोरिस आखिर किस बारे में बातें कर रही है। इसीलिए वो उसी टेप रिकॉर्डर को चेक करने जाती है और असल में वो टेप रिकॉर्डर बेथ का ही था जहाँ पर वो हर दिन का रिकॉर्ड रखती थी। उस टेप में बेथ कह रही थी कि उसे इस घर में बहुत ही अजीब फील होता है। एक दिन तो आधी रात में डेलोरिस अजीब अजीब चीज़ें कहने लगी थी जिससे बहुत ही डर गई थी। साथ ही वो उस नर्स एवरी का नाम ले रही थी जो कि बेथ के पहले वहाँ पर आई थी। इसके बाद में टेप में अगले दिन की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जहाँ पर बेथ डेलोरिस की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। तब डेलोरिस कह रही थी कि वो बेसल के लिए और ये सब नहीं करना चाहती है, बस एक और काम करके वो इसे छोड़ देगी। ये बात नॉमी को समझ नहीं आती है, पर हम समझ पाते हैं कि एक सेक्रीफाइस करके डेलोरिस विच से आज़ादी पाना चाहती है, क्योंकि उस विच के केयरटेकर बनकर डेलोरिस इस घर में कैद हो चुकी थी। नॉमी जब उस टेप को बार बार सुनती है तो उसे उस टेप से विच की आवाज़ें भी सुनाई देती है जो कि डेलोरिस से बेथ को मारने के लिए कह रही थी। उस विच की आवाज़ सुनकर नॉमी बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो भयानक आवाज़ आखिर कहे किसकी। तभी उसे डेलोरिस के रोने की आवाज़ आती है और तब वो उसके लिए पानी लेकर जाती है। उस पानी को पीकर डेलोरिस फिर से सो जाती है, जिसके बाद में नॉमी वही टेप रिकॉर्डर डेलोरिस के पास में ऑन करके उसके पास में एक चेयर पर बैठ जाती है ताकि वह जान पाए कि आखिर डेलोरिस अपने आप से क्या बातें करती रहती है। कुछ देर के बाद में नॉमी को वही चेयर पर नींद आ जाती है, तभी अचानक से उसे ऐसा सपना आता है कि डेलोरिस एक डेमोनिक रूप में उसके सामने खड़ी है और उसके मुंह से उल्टियाँ निकल रही है। नॉमी उस सपने से बहुत डर जाती है और टेप रिकॉर्डर लेकर लिविंग रूम में आ जाती है। उसके बाहर जाते ही हम देख पाते हैं कि डेलोरिस बस सोने का नाटक कर रही थी। इधर रिकॉर्डिंग सुनने पर नॉमी को पता चलता है कि आज रात भी डेलोरिस बिजल से बातें कर रही थी, पर बिजल को अभी और भी खाना था, मतलब कि उसे और भी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस चाहिए थे। अचानक वो विच रिकॉर्डिंग में नॉमी का नाम लेती है जिससे नॉमी शॉक्ड हो जाती है और उस समय बाहर की लाइट ऑन होती है। जब नॉमी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सामने के घर में कोई इंसान नजर आता है और अचानक उस घर की लाइट ऑफ हो जाती है। जब लाइट फिर से ऑन होती है तो डेलोरिस विंडो के सामने आकर नॉमी को हॉन्ट करती है, पर जब नॉमी घर के बाहर जाती है तो वहाँ पर डेलोरिस नहीं मिलती है। नॉमी फिर से घर के अंदर आती है और तब उसे बेसमेंट से किसी को रोने की आवाज़ आती है। वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ उसे बेथ और एवरी का आईडी कार्ड मिलता है। इससे नॉमी को इतना समझ आ गया था कि इस घर में जितनी भी नर्सेस आई थी वो इसी घर से मिसिंग हुई थी और उनके साथ में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। उस समय डेलोरिस नॉमी के पीछे से गुजरती है। नॉमी जब उसे देखने जाती है तो उसे स्टेयरकेस के पास से एक सीक्रेट रूम का डोर मिलता है। वो जब उस डोर को खोलकर अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर बेथ जख्मी हालत में मिलती है। नॉमी जब उसे बचाने के लिए अंदर जाती है तो उसके सामने वही बिजल विच आ जाती है, लेकिन नॉमी वहाँ से बाहर निकल पाती उससे पहले डेलोरिस उस रूम का डोर लॉक कर देती है और अंदर से बस सुनाई देती है तो सिर्फ नॉमी और बेथ की चीख है, मतलब कि वो दोनों भी विच का खाना बन चुकी थी। और यहाँ पर डेलोरिस बस बीमार होने का नाटक कर रही थी ताकि उसके देखभाल के लिए जो भी नर्सेस वहाँ पर उसके घर पर आए वो उसे बिजल विच के लिए सेक्रीफाइस कर दें। सीन कट होता है और अब कहानी आती है 10 फरवरी 2013, यानी कि 10 साल के बाद। अब इस घर में रहने आए थे डेलोरिस के बेटे लुकास और उसकी वाइफ नोवा। लुकास को इस घर को बेचना था तो इसलिए वो घर का कुछ रिपेयरिंग का काम कराने के साथ साथ कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहने के लिए आया था। उसकी वाइफ नोवा उस घर में आकर बहुत ही खुश थी, वो पहली बार इतने बड़े घर में रहने के लिए आई थी, इसलिए वो अपने सभी मोमेंट को और उस घर की हर चीज़ को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी।
इस दौरान वो कैमरा में बताती है कि घर के उसे सीक्रेट रूम में लुकस की माँ डेलोरिस के साथ साथ तीन नर्सेस की डेड बॉडी मिली थी, वो भी बहुत ही डिकम्पोज हालत में। शायद डेलोरिस ने विच से उसकी आज़ादी मांगी होगी, तब विच ने उसे भी अपना खाना बना लिया, क्योंकि डेलोरिस विच के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करने का अपना काम छोड़ना चाहती थी और ये विच उन्हें नहीं दे सकती थी। अब यहाँ पर इस घर में लुकस और नोवा बहुत ही खुश थे। नोवा इस घर में ही अपना बेबी प्लान कर रही थी, तो इसीलिए वो लुकस को इंटीमेट होने की बात कहती है, लेकिन लुकस इसके लिए मना कर देता है। लुकस के इस बिहेवियर से नोवा नाराज भी होती है, लेकिन लुकस उसे मना लेता है। साथ ही लुकस उसे समझाता है कि यह घर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ उसकी माँ डेलोरिस की मौत हुई थी और इस घर को उसने बस फोटो में देखा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस घर में उसे एक दिन आना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी मजबूरी है और इस घर को बेचकर वो पूरी तरीके से फ्री होना चाहता है। लुकस ने तो लोगों से भी सुना है कि उसकी माँ ने किसी सैटेनिक कल्ट को ज्वाइन किया था, वो भी हेरोल्ड से मिलने के बाद, और उससे मिलने से पहले तक उसकी माँ डेलोरिस बिल्कुल नॉर्मल थी। हेरोल्ड ने डेलोरिस के दिमाग पर ये बात डाल दी थी कि इस घर में एक विच है, जिस बात पर लुकस जरा भी यकीन नहीं करता है। पर इस घर और हेरोल्ड की वजह से उसकी माँ डेलोरिस सालों तक उससे दूर रही थी और इस वजह से वो इस घर से नफरत करता है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी फूड डिलीवरी बॉय उनके घर पर आता है, जो उन्हें खाना देकर वहाँ से भाग जाता है। इस समय पता चलता है कि उस सिटी में सभी लोग इस घर से बहुत ही डरते हैं, कोई भी उस घर के पास ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है और सभी लोग विच वाली बात पर यकीन करते हैं। लेकिन लुकस और नोवा डिलीवरी बॉय की शरकत पर बहुत ही हंसी आती है। इसके बाद खाना खाते टाइम भी नोवा हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, वो उस घर के हर एक पल को रिकॉर्ड करना चाहती थी ताकि बाद में उनके होने वाले बच्चे इस वीडियो को देखकर एंजॉय करें। लेकिन लुकस उसे इस घर की वीडियो शूट करने के लिए मना करता है और वो इस घर से जुड़ा कोई भी याद अपने साथ में वापस नहीं ले जाना चाहता था। तब नोवा बात को चेंज करते हुए लुकस को इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन लुकस इस बार भी उसे मना कर देता है। अब अगले सुबह नोवा बाथरूम में आ रही थी और बाथरूम की विंडो से बाहर खड़े लुकस को देख रही थी, जो घर के एजेंट से बातें कर रहा था। तभी अचानक एक बर्ड उस विंडो से खुद को टकरा कर मार लेती है, और बर्ड इस तरीके से तभी खुद को मारती है जब उन्हें कोई इविल चीज फील होती है। पर यहाँ पर फिर से नोवा और लुकस इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं। इसके बाद नोवा बाथरूम के मिरर में खुद की बॉडी को अजीब तरीके से देख रही थी, तभी उसे बाथरूम की अलमारी से अंदर से किसी को रोने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, पर मिरर में उसका रिफ्लेक्शन एक ही जगह पर था, जैसे कि धीरे धीरे वो फिश के पोजिशन में आ रही हो, पर रिफ्लेक्शन की बात नोवा नोटिस नहीं करती है। फिर वो अलमारी के अंदर चेक करती है, तब उसे बेसमेंट का वही सिगरेट रोल मिलता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में निक को मिला था। उससे अंदर कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस डोर में खून के दाग लगे हुए थे जो कि निक का था, क्योंकि वहीं पर उस विच ने निक को पकड़ कर खाया था। इधर लुकस घर के बाहर फोर सेल का बोर्ड लगा देता है, लेकिन उस घर में जो सालों से हो रहा था या जो इधर मर्डर आज तक हुए थे, इस वजह से कोई भी उस घर को खरीदना नहीं चाहता था। उसी दिन नोवा डेलोरिस के पुराने कपड़े चेक करती है, जिसमें से रेड कलर की नाइटी वो पहनकर लुकस को दिखाती है। अपनी माँ डेलोरिस के कपड़ों में अपनी वाइफ नोवा को देखकर लुकस को अच्छा नहीं लगता है। नोवा तो यहाँ पर फिर से लुकस को सेड्यूस करने लगती है, वो चाहती थी कि लुकस ये घर न बेचे, वे दोनों यहीं पर रहें और अपनी फैमिली को स्टार्ट करें, क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा था जो कि बेबी प्लान करने के लिए बहुत ही सही था। पर लुकस ना ही इस घर में रहना चाहता था, ना ही फ्यूचर में वो बच्चा चाहता था। उसे बस ये घर बेचकर उसी पैसे से कहीं दूर अपना घर खरीदना था। इस बात पर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात को किसी आवाज़ से नोवा की नींद खुलती है। वो कैमरा ऑन करके बेड के नीचे देखती है, तब उसे वहाँ पर किसी के लेग्स नजर आते हैं। फिर वो खुद बेड के नीचे देखती है, और इस बार भी उसे बेड के नीचे किसी के पैर नजर आते हैं। फिर वो बेड के ऊपर देखती है, तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता है। अब धीरे धीरे वो अजीब से पैर बेड के पास में आ जाते हैं, और एक पॉइंट पर वो अजीब से पैर वाला क्रिएचर उसके बेड पर बैठ जाता है, और हमें पता चलता है कि वो अजीब सा क्रिएचर वही बीजल विच है। इस बार नोवा को बेड पर खुद का डेमोनिक रूप नजर आता है, जहाँ पर वो और लुकस पजेस हालत में एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे। तभी अचानक से नोवा अगले सुबह अपनी नींद छोड़ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब बस सपना था, इसलिए वो कैमरा में कल रात की फुटेजेस चेक करती है, और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और लुकस को घर में ढूंढने लगती है। पर लुकस उसे घर में कहीं नहीं दिखाई देता है। तभी उसे बेसमेंट से किसी के रोने की आवाज़ आती है। नोवा उस आवाज़ को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे अपोलो का कैमरा मिलता है। वो उस कैमरा को लेकर बेसमेंट से बाहर आने वाली थी कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। नोवा उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उसे सीक्रेट रूम के डोर को खोलती है, जिसके अंदर 2003 में नाओमी गई थी।
वहाँ पर नोवा को एक बच्चा मिलता है जिसे वो अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगती है। कुछ ही देर में लुकस घर पर आकर देखता है कि नोवा किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक मरे हुए एनिमल को लेकर बैठी है। उसे विच ने पूरी तरीके से पजेस कर लिया था और इसीलिए उसे मरे हुए एनिमल में भी बच्चा नजर आ रहा था। ऊपर से नोवा ऐसे रो रही थी जैसे कि लुकस ने उससे बच्चा ही छीन लिया हो। अब लुकस को समझ में आ गया था कि उस घर का बुरा असर नोवा पर भी पड़ रहा है, तो इसीलिए वो ब्रोकर से रिक्वेस्ट करता है कि इस घर को जल्दी से जल्दी बेच दे। भले ही उसके लिए उसे प्राइस थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन उसे जल्दी से इस घर से छुटकारा चाहिए था। कुछ देर के बाद में लुकस नोटिस करता है कि किचन में चाकू कम है। तभी नोवा उसके सामने आती है जिसे वो हक करके सॉरी कहता है जो कुछ भी उसने आज उसके साथ में किया। फिर लुकस कैमरा के उन फुटेजेस को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे वही फुटेज मिलती है जिसमें वो और नोवा पजेस हालत में इंटीमेट हो रहे थे। मतलब कि नोवा ने जो कल रात को देखा था वो सपना नहीं बल्कि सच था, इसीलिए वो फुटेजेस चेक करके इतना डर गई थी। ये बात लुकस के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। उसे तो इस घर में नोवा के साथ में इंटीमेट होना ही नहीं था और ये जो भी फुटेजेस उसने देखी थी उसे तो याद भी नहीं है कि वो नोवा के साथ में कब इंटीमेट हुआ। पर नोवा से पूछने पर उसका तो यही कहना था कि उन दोनों ने कल रात को एक दूसरे से बहुत प्यार किया और बिजल उनके काम से बहुत ही खुश है। अब तो नोवा की आंखें भी अजीब तरीके से रंग बदल रही थी, जो बात लुकस नोटिस करता है। फिर लुकस बेसमेंट पर जाता है जहाँ उसे अपोलो और हेरल्ड का कैमरा और बेथ का टेप रिकॉर्डर मिलता है जिन सभी को वो एक एक करके चेक करने लगता है। फुटेजेस में वो जब हेरल्ड के बेटे निक और उसकी वाइफ की डेड बॉडी देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वीडियो में जैन और निक की बुरी तरीके से जख्मी बॉडीज देखकर उसे समझ में आ गया था कि नोवा को लेकर जल्दी से जल्दी इस घर से निकलना चाहिए। वो नोवा को सामान पैक करने के लिए कहता है लेकिन नोवा को तो उसे घर में रहना था। तभी लुकस को घर के ब्रोकर को कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि घर के लिए बायर मिल चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि लुकस घर के फर्स्ट फ्लोर को रेनोवेट करके दें, उसके बाद में ही बायर घर में शिफ्ट होंगे। अब बहुत मुश्किलों के बाद में वो घर बिक रहा था तो इसलिए लुकस फर्स्ट फ्लोर को रेनोवेट करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ और दिन इस घर में रहना होगा। इसके बाद में लुकस घर के बाहर सोल्ड का बोर्ड लगा देता है क्योंकि उसका घर फाइनली बिक चुका था। जब वो घर के अंदर आता है तो नोवा को बाथरूम में उल्टी करते हुए देखता है और उसके पूछने पर नोवा उसे कुछ भी खुलकर नहीं बताती है। रात को भी वो अपने पेट को कुछ इस तरीके से प्यार कर रही थी जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। उसकी ऐसी हालतों से अब लुकस परेशान हो रहा था, इसीलिए वो नोवा को कल उसके साथ में पेरिस चलने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर नोवा उसे प्रेशर देने के लिए उसके पास में आती है। पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक नोवा लुकस का प्राइवेट पार्ट काट कर खा जाती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो नोवा नहीं बल्कि असल में ब्रिजल विच थी, लेकिन यह बस लुकस का एक सपना था। वो डरकर अपने सपने के बारे में नोवा को बताता है। तब अचानक से नोवा एक डेमोनिक रूम में उससे डराती है, लेकिन यह भी लुकस का बस एक सपना था। उन सपनों से डरकर वो अगली सुबह अपनी नींद से उठता है। तब उसे उसके सामने नोवा का कैमरा दिखाई देता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले नोवा एक चाकू से कई बार लुकस के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डालती है और ये सभी इंसिडेंट नोवा के कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहे थे। लुकस ये घर छोड़कर नोवा को अपने साथ में ले जाना चाहता था और ये वो भी छूने नहीं दे सकती थी क्योंकि नोवा प्रेग्नेंट थी और इनडायरेक्टली वो बेबी विच का ही था। विच ने नोवा को पजेस किया, फिर वो लुकस के साथ में इंटीमेट हुई और इस तरह वो विच के बिहाफ में प्रेग्नेंट हुई। वो बच्चा विच का था तो इसलिए एक ही दिन में नोवा ने उस बच्चे को पैदा किया। उसके बाद में वो विच ने नोवा को भी जान से मार दिया और मूवी के आखिरी सीन में वो विच अपने बच्चे को ही खा गई क्योंकि वो विच 300 साल में किसी ह्यूमन के साथ में इंटीमेट होकर एक बच्चे को पैदा करती है। उसके बाद में उसी बच्चे को खा जाती है ताकि बिजल विच कई सालों तक जिंदा रहे। अब नोवा और लुकस की मौत के कुछ दिनों के बाद में एक न्यू फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है और हमें तो पहले से पता है कि ये फैमिली विच का खाना बनेगी या फिर फैमिली का एक मेंबर विच के लिए केयरटेकर बनकर उसके लिए ह्यूमन को सेक्रीफाइस करेगा जिसके बदले में उसे 150 पैसा मिलेगा। और बस इसी भयानक एंडिंग के साथ में ये मूवी यह पर एंड हो जाती है।